वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ये लेक्चर सीरीज। आज जो हम लॉ एंड लीगल एनवायरनमेंट फॉर बिजनेस के अंदर जो हम एक्ट पूरा करेंगे वो है गुड्स एंड सर्विस एक्ट। गुड्स एंड सर्विस एक्ट के अंदर यदि हम देखें तो हमें सिलेबस में ये एक्ट जो दिया है 2017 तो दिया है, इसके अलावा हमें ये और बोला है कि हमें कुछ रेट्स वगैरह जो है याद रखनी है जो इस एक्ट के अंदर दिए हैं। तो जो रेट्स हैं वो चेंज होती रहती हैं, जो भी आपकी GST काउंसिल की मीटिंग होती है उसके अकॉर्डिंग जो रेट्स होती हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स की वो चेंज होती रहती हैं। फिर भी हम जो कॉमन रेट्स हैं उनको इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्या रेट्स हैं, और कुछ चेंजेस के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि GST के अंदर जो रेट्स हैं वो क्या क्या हैं और उनके अंदर क्या चेंज आया उसको भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आ रहा है GST @0%। 0% का मतलब ये हुआ कि ऐसे गुड्स जिनके ऊपर GST नहीं लगेगा, जैसे मिल्क है, लस्सी है, प्रसाद है, आपका अनब्रांडेड नोट पैक्ड कंटेनर हनी पनीर वगैरह हैं, काजल है, टेंडर कोकोनट वाटर है, साल्ट है, फ्रेश वेजिटेबल्स है। इसके अलावा हम देखें तो GST ये जो डेली रूटीन की जो चीज़ें रहती हैं जिसको हम GST 0% बोलते हैं, इसको हम अदर वर्ड में क्या बोलते हैं यदि हम स्ट्रक्चर के अंदर जाते हैं तो इसको हम बोलते हैं जीरो रेट। क्या बोलते हैं हम? जीरो रेट बोलते हैं। GST की 4 स्ट्रक्चर की हमने बात की तो इसको हम जीरो रेट बोलते हैं। द जीरो रेट टैक्स इज़ ए नील टैक्स रेट दैट इज़ अप्लाइड ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे हमने थोड़ी देर पहले पढ़ाई था कि जहाँ कंज्यूमर की बात की जाती है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की भी बात की जाती है, इसको हम CPI बोलते हैं। तो ऐसे गुड्स जो इस CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बास्केट के अंदर रखी जाती हैं उन पर जो टैक्स यदि गवर्नमेंट बढ़ा देती है तो इन्फ्लेशन जो है बढ़ जाती है। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है कि इनके प्राइस जल्दी से नहीं बढ़ाती है। जब इनके प्राइस जल्दी से नहीं बढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि जो इन्फ्लेशन है वो क्या रहेगी, कंट्रोल रहेगी। तो जीरो रेट आइटम के अंदर जैसे हम देखें तो फूड ग्रेन है, मिल्क है, कर्ड है, फूड आइटम्स हैं, उनको हम क्या इंक्लूड करते हैं। तो ये अपनी फर्स्ट जो थी जीरो रेट थी। फिर अब हम बात करेंगे जीरो रेट के बाद फिर आता है अपना GST @5%, GST @12%, और GST @18%। और फिर अपना हम देखें तो हमने टेबल और प्रेजेंटेशन में भी देखा है कि 0% जो है GST किस किस पर एप्लीकेबल है, 12% 5% GST किस किस पर एप्लीकेबल है आपका, और फिर हमने देखा है कि 18% और हाईएस्ट जो है 28% GST वो कहाँ पे एप्लीकेबल है। तो जैसे मैंने आपको 0% रेट से बताया, अब मैं आपको बताता हूँ जैसा कि हम देखें प्रीवियस पेज के अंदर तो हमने देखा था कि GST की जो 4-tier स्ट्रक्चर है, टैक्स स्ट्रक्चर है, उसमें हायर रेट आती है, फिर आती है स्टैंडर्ड रेट आती है, फिर लोअर रेट आती है, फिर जीरो रेट आती है। तो हमने जीरो रेट को हमने अब समझा। अब हम समझेंगे कि जीरो रेट के अलावा जो रेट्स हैं वो कौन कौन सी। जैसे हम लोअर रेट की हम बात करें तो आपने देखा था कि लोअर रेट आई थी 5%, ठीक है ना। तो लोअर रेट ऑफ द 5% अप्लाइड ऑन द रेस्ट ऑफ द आइटम इन द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बास्केट एंड द अदर आइटम ऑफ द मास कंजम्पशन। दिस इंक्लूड फूड आइटम लाइक शुगर, टी, कॉफ़ी, ऑयल, अदर एसेंशियल लाइक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर जो कैरोसिन है, LPG है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम ये देखें जो 5% लोअर रेट है वो आपकी लोअर रेट मानी जाती है। फिर उसके बाद आती है 12-18%। इन दोनों रेट्स को हम किसके अंदर रखेंगे, आपका स्टैंडर्ड रेट के अंदर रखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको 5% जो लोअर रेट है उसके आइटम्स के बारे में बता देता हूँ। तो 5% के अंदर आप देखें तो यहाँ पे आपको दिया है टी है आपका, टी है, शुगर है आपका, एडिबल ऑयल है, डोमेस्टिक LPG है, पैक पनीर है, कोयल है, रेसिन है, रोस्टेड कॉफ़ी बीन्स हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर कैरोसिन है, स्किम मिल्क पाउडर है, किशू नट्स हैं, फुटवेयर आपके जो हैं less than 500, अपेरल हैं less than 1000, मिल्क फूड है बेबीज़ के लिए, फैब्रिक्स हैं, कोयर मैथ हैं, मैटिंग है, फ्लोर कवरिंग है, स्पेसिस अगरबत्ती, कोयल, मिठाई वगैरह जो हैं आपकी, लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, कॉफ़ी वगैरह हैं। तो इन पर 5% क्या लगता है GST, इसको हम क्या बोलते हैं, लोअर रेट बोलते हैं। लोअर रेट के बाद फिर हम आते हैं जो स्टैंडर्ड रेट 12-18% है। स्टैंडर्ड रेट के अंदर जब आप देखेंगे तो जो उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे अरुण जेटली, उन्होंने ये एड्रेस किया था कि जो 2 स्टैंडर्ड रेट हमें रखनी होंगी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, 12% और 18%। तो 12% और 18% के अंदर इन्होंने किस किस प्रोडक्ट को रखा, तो 12% में यदि हम बात करें तो बटर कंप्यूटर है आपका, घी है, प्रोसेस फूड हैं, एयरमोड्स, मोबाइल्स, फ्रूट जूस वगैरह ये जो हैं, वेजिटेबल्स वगैरह, पैक कोकोनट वाटर है, अम्ब्रेला है, ये आपके 12% के अंदर आते हैं स्टैंडर्ड रेट की। और 18% के अंदर हम देखें तो हेयर ऑयल आता है आपका, कैपिटल गुड्स आता है, टूथपेस्ट, इंडस्ट्रियल इंटरमीडिएट्स आती हैं, सोप, पास्ता आपका, टॉयलेट्रीज,
कॉन्फ्रेंस आपका कंप्यूटर सोप्स प्रिंटर वगैरह 18% के अंदर आते हैं। फिर आती है आपकी स्टैंडर्ड रेट के बाद फिर आती है आपकी इसको हम बोलते हैं हायर रेट, जो फोर्थ है आपकी हायर रेट। हायर रेट जो है आपकी 28% मानी गई है। और ये 20% जो हायर रेट है किस किस पर लगती है तो हम देखेंगे यहाँ पर। जैसे आपका 20% के अंदर स्मॉल कार है, ठीक है ना, इसमें हाई एंड मोटरसाइकिल वगैरह जिस पर 15% सेस एडिशनल लगता है, स्मॉल कार पर 1 और 3% सेस एडिशनल लगता है, 28% तो लगेगा। इनके अलावा कंज्यूमर ड्यूरेबल सपोज जैसे एसी है, फ्रिज है, इस पर 28% लगता है, ठीक है ना। यहाँ पे हम देखें तो जैसे हमने देखा था कि तंबाकू प्रोडक्ट बीडीज वगैरह इसके अंदर अलाउ नहीं की जाती हूँ, वो जो जीएसटी से बाहर हैं क्योंकि उनकी रेट्स क्या हैं जीएसटी से ऑलरेडी ज़्यादा ही है, ठीक है ना। अब लग्जरी आइटम देखें, बीएमडब्ल्यू ये जो हैं आपके आपकी एल्ड्रेड ड्रिक्स हैं तो उस पर 28% प्लस 15% सेस भी लगता है। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो फोर रेट हैं उन सारे रेट्स को हमने यहाँ पे डिस्कस किया, ठीक है ना। हमने 12-18% को स्टैंडर्ड रेट माना है, हमने 5% को हमने लोअर रेट माना है, और 0% को हमने क्या माना है, नील जीएसटी माना है। अब हम देखते हैं कि जो जीएसटी की मीटिंग होती हैं वो कब कब हुई थी और उसके अंदर क्या प्रपोज किया था। तो जैसे यहाँ पे हम देखें तो जीएसटी रेट्स रिवीजन इन 42 जीएसटी काउंसिल मीटिंग जो आपकी हुई थी कब हुई थी, देखो 5 अक्टूबर 2020 को हुई थी, ठीक है ना। 42 मीटिंग के अंदर उन्होंने क्या प्रपोज किया था, द फॉलोइंग डिसीजन हैज़ बीन टेकन रिगार्डिंग जीएसटी रेट्स। पहला क्या है, जीएसटी एग्जेम्पशन प्रोवाइड टू द सैटेलाइट लॉन्च सर्विस बाय इसरो, कि जो सैटेलाइट लॉन्च सर्विस इसरो के द्वारा है उस वहाँ पे जीएसटी की एग्जेम्पशन है, ठीक है ना। एंट्रिक्स कॉरपोरेशन एंड न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो है टू इंक्रीज द स्पेस लॉन्चिंग सर्विस इन इंडिया, उनको भी क्या एग्जेम्पशन दी गई है। इसके अलावा नॉन अल्कोहलिक बेस्ड सैनिटाइजर्स जो हैं विल बी कंटिन्यू टू बी टैक्स एट 18%, कि उन पर 18% टैक्स जीएसटी रेट रहेगी। तो जीएसटी रेट 18% हम क्या मान रहे हैं, स्टैंडर्ड रेट मान रहे हैं, ठीक है। ये थी आपकी 42 नंबर की जो मीटिंग हुई थी जो 5 अक्टूबर 2020 को हुई थी, जिसके अंदर हमने जो ये बोला था कि एक तो जीएसटी एग्जम्पशन मिलेगी सैटेलाइट लॉन्च सर्विस जो हैं, ठीक है ना, और नॉन अल्कोहल पे सैनिटाइजर जो हैं उन पर जो रेट है जीएसटी की वो 18% रहेगी। इसके अलावा एक मीटिंग और हुई थी, ठीक है ना, उस जिसके अंदर जीएसटी रेट चेंज हुई थी, ठीक है ना। जीएसटी की जो मीटिंग होती हैं ये इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है, जब भी रिवीजन की ज़रूरत होती है जीएसटी रेट के अंदर तब ये मीटिंग रखी जाती हैं। तो जीएसटी रेट रिवीजन जो हुआ था 39 जीएसटी काउंसिल मीटिंग थी वहाँ पे क्या हुआ था, आप देखें कि मोबाइल फ़ोन पर जो थे ओल्ड रेट 12% थी उसको बढ़ाकर 18% कर दिया था, और हैंडमेड मैचेस जो थी उसका जो 5% था उसको बढ़ा के 12% कर दिया था, ठीक है ना। अदर देन हैंडमेड मैचेस जो थी जिसका 18% था उसको घटा के 12% कर दिया गया था। तो दोनों को सेम कर दिया कि हैंडमेड मैचेस चाहे आपकी अदर देन हैंडमेड है वो भी 12% है और हैंडमेड भी 12% है, जबकि हैंडमेड मैचेस का पहले लेस था 5% था उसको इंक्रीज़ करके 7% इंक्रीज़ करके 12 कर दिया, और जो अदर देन हैंडमेड थी वो आपका 18% था उसको 6% डिक्रीज़ करके कितना कर दिया, बोलो 12% कर दिया। इसके अलावा हम देखें कि जो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस रिपेयर ओवरहॉल सर्विस वगैरह जो है वहाँ पे जो रेट थी ओल्ड रेट जो थी 18% थी, और इसको जो चेंज करके कितना कर दिया है, इसको डिक्रीज करके 5% कर दिया गया है। तो हम देखें लोअर रेट स्टैंडर्ड रेट जो थी उससे उसको लोअर रेट में कर दिया गया है। तो ये जो आपकी मीटिंग हुई थी जीएसटी रिवीजन की 39 जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई थी वो 14 मार्च 2020 सैटरडे न्यू दिल्ली हुई थी, और उसके जो मेन हाईलाइट्स थी वो यही थी कि मोबाइल फ़ोन का जो परसेंटेज था ओल्ड रेट 12% था उसको 18% कर दिया था, हैंडमेड और अदर मैचेस का जो परसेंटेज पहले 5 और 18 था उसको चेंज करके कितना कर दिया था, बोलो 12% कर दिया था। दोनों का हैंडमेड और अदर देन हैंडमेड दोनों का ही परसेंटेज जो था वो नया परसेंटेज कितना है 12% था, जबकि पहले हैंडमेड का 5% था और अदर देन हैंडमेड का कितना था 18% था। तो एक को इंक्रीज़ कर दिया एक को डिक्रीज़ कर दिया। इसके अलावा मेंटेनेंस रिपेयर्स ओवरहॉल यदि हम देखें एयरक्राफ्ट के अंदर जो परसेंटेज आपका 18% एक स्टैंडर्ड रेट था उसको डिक्रीज़ करके कितना कर दिया 5% कर दिया। तो हमने ये जो रिवीजन किया है इसका जो चेंज माना गया है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 से माना गया है कि ये रेट जो है 1 अप्रैल 2020 से क्या हो जाएंगी अप्लाई हो जाएंगी। तो हमने यही देखा इस लेक्चर के अंदर कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स के अंदर जो रेट्स हैं
ठीक है ना, रेट्स के जो क्लासिफिकेशन हैं, चाहे वो आपका जीरो रेट जिसको हम बोलते हैं, नील जो हम बोलते हैं, लोअर रेट बोलते हैं, है ना, 5% जिसको हम बोलते हैं, स्टैंडर्ड रेट 12 है, 18% है, और हायर रेट 28% है, तो उसको हमने यहाँ पे समझा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक्स।